पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाने के एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर 8 विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन कमलनाथ सरकार के लिए 2 मंत्री संकट मोचन बने और 4 विधायकों को वापस ले आए। दरअसल प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा था कि भाजपा ने 8 विधायकों को गुरुग्राम के ITC ग्रैंड भारत होटल में बंधक बनाकर रखा है। इनमें से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी, 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी और 1 विधायक समाजवादी पार्टी से है, जबकि 1 विधायक निर्दलीय है। ये खबर मिलते ही कमलनाथ सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी गुरुग्राम पहुंचे और विधायकों को होटल से बाहर निकाला। इस दौरान मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर भी करारा हमला करते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। इसी बीच दिग्विजय सिंह के समर्थक डॉक्टर आनंद राय ने एक वीडियो जारी कर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की साजिश का खुलासा किया। राय ने एक वीडियो वायरल कर कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता और 100 करोड़ का ऑफर देकर कांग्रेस विधायक तोड़ने की बात कही। वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि एक बार आ जाओ राज करेंगे। डॉक्टर राय ने बोला कि 1 MLA से क्या होगा। इस पर मिश्रा ने कहा कि जहां तक के 2-3 तो तुम पर ही है जो मेरी जानकारी है। डॉक्टर राय ने कहा कि तुम तो 2-3 हैं, मेरे पे भी 3-4 हैं, वो कांग्रेस के हैं। मिश्रा ने कहा कि वो तो जब तुम हाँ कर दोगे ना, तब सब असेंबल कर देंगे। जब असेंबल करेंगे तो एक साथ कहीं भी चले जाएंगे। इसके बाद गवर्नर से बात करेंगे, सीधा खत्म करेंगे और अगले दिन ही शपथ ग्रहण। आज करोगे तो 24 घंटे में शपथ ग्रहण। डॉक्टर राय ने कहा कि तो उसको तो रिजाइन करना पड़ेगा ना, मिश्रा इसको मिनिस्टर बनाएंगे, फिर इसको लोकसभा लड़ाना है या विधानसभा। पाठक को भी लाए थे हम। डॉक्टर राय ने कहा कि इसको पहले मंत्री बनाओ फिर चुनाव लड़ाओ। मिश्रा ने कहा कि रिजाइन तो देना पड़ेगा, सरकार कैसे हार जाएगी, उपचुनाव कैसी बात कर रहे हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।